नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों चुनावी माहौल है। राजधानी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं और चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। लेकिन इस चुनाव में दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी लगातार विवादों में घिरती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी पर लगातार बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पैसे लेकर पार्षदों के जो टिकट है वो बेच रहे हैं। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इस बार आम आदमी पार्टी के जो नेता है और कार्यकर्ता है वो चुनाव से पहले आपस में ही उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें, दिल्ली आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगा तो कार्यकर्ता और उनके जो समर्थक हैं वो उनसे नाराज हो गए। नाराज कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मनाने के लिए विधायक गुलाब सिंह यादव ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें वो पहुंचे समर्थकों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर उनका विरोध किया और स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। और बीजेपी ने लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ है तो बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा, तो गुलाब सिंह यादव ने बीजेपी पर ही आरोप लगाया है कि जो मारपीट करने वाले, हाथापाई करने वाले उस बैठक में आरोपी थे, उनको बीजेपी बचाते हुए दिखाई दे रही है। हम आपको बता दे कि दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी बैठक कर रही है, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लगातार जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं बड़े नेताओं पर, उससे कार्यकर्ता और समर्थक भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें, मटियाला से विधायक गुलाब सिंह यादव ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें उनके समर्थक पहुंचे हुए थे, लेकिन गुलाब सिंह यादव से वहाँ पे समर्थक और कार्यकर्ताओं ने हाथापाई कर दी। इसके बाद ये जो मामला है छावला पुलिस थाने में भी गया है। भाजपा ने वीडियो जारी कर तंज कसा है, तो वहीं गुलाब सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि मारपीट करने वाले जो लोग थे वहाँ पे उस बैठक में मौजूद थे, बीजेपी लगातार उनको बचाने का प्रयास कर रही है। हम आपको बता दें कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। दिल्ली बीजेपी ने एक वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि पिट गए आपके विधायक जी, आम आदमी पार्टी विधायक गुलाब सिंह यादव को टिकट बेचने के आरोप में आप कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। केजरीवाल जी, ऐसे ही आपके सभी भ्रष्टाचारी विधायकों का नंबर आएगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद प्रवेश साहेब सिंह वर्मा ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में इतने डूब चुके हैं कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी टिकट का लालच देकर लूटने से नहीं छोड़ा। और इस सब पूरे मामले को लेकर गुलाब सिंह यादव जो है वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। उनका ये कहना है कि उस बैठक में जिन लोगों ने भी हाथापाई की थी उनको आम आदमी पार्टी लगातार सह नहीं दे रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से उनको बचाया जा रहा है, यानी सह दिया जा रहा है। हम आपको बता दें, इस पूरे मामले के बाद लगातार ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता जो हैं एक दूसरे पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं।